कमाल है ना, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा कोई आसान कार्य नहीं, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा, हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे, इसीलिए लोगों की परवाह मत करो, वही करो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना कि जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्यों करना। जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं उसके साथ आप पूरा जीवन बिता सकते हैं। वृक्ष कभी इस बात से दुखी नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, वह तो हमेशा नए फूलों का सृजन करने में भी व्यस्त रहता है। इसीलिए जीवन में आपने कितना कुछ खो दिया है, इस पीड़ा को भूलकर आप क्या नया कर सकते हैं, यही सोचिए, इसी में जीवन की सफलता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, कर्म अवश्य लौटता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही चीज़ आपके जीवन में वापस आती है, यही प्रकृति का नियम है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। जब आपका दिल दर्द से भर जाए, आंखों में आंसू आ जाए, तो उस रब से चुपके चुपके बात कर लिया करो, वो सब जानता है लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता है। नियत साफ हो तो नसीब भी बदलने लगते हैं। अच्छी नियत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता, उनका हर एक दिन किसी निखरी सुबह की तरह उजाला और सुकून से भरा होता है। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत हो जाती है। अगर इंसान की नियत अच्छी है और वो कोशिश करना शुरू कर दे तो ऊपर वाले की मदद अपने आप आ जाया करती है। लोगों की बकवास का जवाब ना देने वाले लोग कमज़ोर नहीं होते, ये वो समझदार लोग होते हैं जो कभी कीचड़ पर पत्थर नहीं मारते। मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से भी कुछ नहीं सीखता, पर ज्ञानी व्यक्ति मूर्ख से भी बहुत कुछ सीख लेता है। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा संसार का लगा लेना। जब भी परमात्मा का धन्यवाद करना चाहो तो भूखे को खाना खिला देना। जब भी अपनी ताकत का गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्ध आश्रम का लगा लेना। और जब भी आपका सर श्रद्धा से झुके तो अपने माँ बाप के पैर। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।